तो हाय दोस्त, वाई के जेक में आपका स्वागत है। ये 1 minute later तो हाय दोस्तों, वाई जे सॉरी ए फ्यू मोमेंट्स लेट तो हाय दोस्त, वाई जे के ब्लॉग में आपका स्वागत है। ये जितेंद्र ब्रो और उसका दोस्त लोग सब यहाँ पर है और ये कुछ कहना चाहते हैं अभी। भाई बोलो, अब आज आपका ब्लॉग क्या होने वाला है? आज क्या होने वाला है? आज दिन भर तो संडे है, आज कुछ नहीं, क्या कुछ नहीं करेंगे, आज घर में ही रुकेंगे क्योंकि घर में बहुत काम है। नहीं, मैं नहीं मानता। आज अभी जाएंगे, अभी टाइम कितने बजे थे? अभी तो 8 बजा है, अभी 8:30 बज गए। अभी मैं सो के उठा और आज हमारे एरिया में 120 रुपए के चिकन मिल रहे। तुम जाके 2 किलो लेके आएंगे। और ये तो कितना किलो लगेगा? ये सुबह 5 बजे जाके बैठा है घर में और जाके लेके आएगा 3 या 4 किलो 4-5 दिन के लिए खाने के लिए। और रुद्र भी आके बैठा है। तो नहीं, मैं अभी आया और भाई के बोले कि ब्लॉग करने के लिए, इसलिए मैंने किया। हाँ, रुद्र भी 4 या 5 किलो लेके आएगा। अबे साले, तभी अभी नहीं नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। तो ब्लॉग को शुरू करते हैं, हमारे साथ बन रहे, तो चलते अभी निकलते हैं। रुद्र का एज है मतलब 17 साल। अभी वो क्या खा रहा है देखो, अभी वो अमूल खा रहे। तो आज संडे है तो अब ब्रश करने के लिए जा रहे हैं। 8:30 बज गए तो अब जाएंगे और आज दिन भर घर में रहेंगे। पूरा दिन भर क्या क्या करते हैं संडे में दिखाएंगे आपको। तो चलते हैं बाहर। आजा जाके ब्रश करके आएंगे, तू कैमरा पकड़ेगा। गजब बेइज्जती है, एकदम फुल पावर। बाहर का नजारा दिखता हूँ। 1 minute later तो अब हम ब्रश करके आ गए और जीतू भाई पूछ रहे हैं उसके मास्क लेके आएगा या नहीं। तो अभी चलते, अभी हम लेके आएंगे 4 या 5 किलो चिकन। दोस्त बेकारी नहीं है, बहुत पैसे अपने पास, क्योंकि ईसाई में 2 या 3 बंदे के लिए। अभी जाएंगे जगन्नाथ प्रसाद, पहले नाश्ता करेंगे उसके बाद जाएंगे। जीतू भाई कैसा लगा? चलते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करते, पकड़ कैमरा पकड़। Hours later. 2 घंटे के बाद चिकन मिला, कैसा लग रहा है? मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। यार लबे सीरी सा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन पर। इधर 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 एक्सपीरियंस ज्यादा। 2 घंटे वेट करने के बाद हमको चिकन मिला। अभी देखो क्या क्या लेके आए, अभी उसको लेके चलते हैं घर, उसके बाद मिलते हैं। हम चिकन लेके आ गए हैं, अब चलते हैं उसको धोते हैं, थोड़ा गंदा हो गया है। मैं बाल्टी लेके जा रहा हूँ और वो दोनों एक चिकन लेके आए हैं, एक कढ़ाई लेके आए, पानी देते हैं चिकन में। चिकन को कढ़ाई में डाल दिए, 2 किलो चिकन लेके आए और चिकन को धोते हैं, फिर मिलते हैं। बोलो, चिकन को धो रहे तो मैं चलता हूँ, प्याज काटता हूँ और ये है थाली। और लाइन भी नहीं आज, तो आज लाइन नहीं है। मैं थोड़ा, अब ये जो लाइट जल रही है वो क्या है, वो जो लाइट जल रही है चार्ज लाइट इसलिए जल रहा है। तो प्याज किधर है देखते पहले। बाबू प्याज किधर है? क्या गुंडा बनेगा रे तू? इसमें इसमें प्याज है और देखते। ओ भाई आंसू आ गया मुंह में। क्या बोला तूने? पूरा आंसू आ गया, देखो ये बैठ के ये कुछ नहीं कर रहा है, उसका भी आंसू आ गया, मेरा तो पूरा आंसू आ गया। तो अभी कटाई करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। 1 minute later हमारा कटाई का सारा काम हो गया खत्म। अभी चल चिकन को चूल्हा के ऊपर चढ़ाते,
अभी मैं बैक कैमरा ऑन करता हूँ और आपको उधर से शॉर्ट वीडियो टाइप का बनाऊंगा। आप लोग अगर सोच रहे हो कि मैं आज नहीं लाया हूँ तो आप लोग सही सोच रहे हो, मैं आज सच में नहीं लाया हूँ। तो वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। अब सर्दी का मौसम चल रहा है इसलिए मैं नहीं आता हूँ, वरना मैं रोज लाता हूँ सुबह 4 बजे लेके 4 बजे पहले नहा लेता हूँ। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। तो मिलते फिर उधर जाके। छोटा कढ़ाई गर्म हो गया, इसके अंदर अब जाएगा तेल, जाएगा जल्दी डाल जल्दी जल्दी। और ये हमारा रुसिया है जो कि इधर मुंह देखा दे, और पीछे एक बंदा बैठा है जो कि हमको मतलब हेल्प करता है उसमें। और इसके अंदर गया तेल जो कि करीब करीब रिफाइन ऑयल है, और इसके अंदर 4 या 5 चम्मच डाल दिया है जो कि 2 किलो का चिकन होगा इसलिए। जीरा डाल, जीरा। अब इसके अंदर गया जीरा, अबे इतना 1 चम्मच डाल। तेरे को मैं, तू रूप सिर्फ बनाएगा, मैं तेरे को इंस्ट्रक्शन दूंगा। इसके अंदर गया प्याज जो कि 1/2 किलो के करीब है। हमारा चिकन पूरा ब्राउन हो गया है। क्या बोला तूने? हमारा अब प्याज पूरा ब्राउन हो गया है, अभी और थोड़ा ब्राउन करते हैं उसके बाद मसाला डालेंगे। अब इसके अंदर जाएगा मसाले, मसाला अदरक लहसुन सारा पेस्ट कर दिया इसमें, और मिला सबको मिला। ओए मिला इसको, सबको मिला। और इसमें और क्या डालेगा, इन प्याज और मसाले को मिक्स किया जा रहा है। इतना लाल है और मिर्ची डाल रहा है, पहले से मिर्ची पीसा है, अभी मत और डाल। मिक्स कर देंगे आलू और चिकन, अभी पकने के लिए छोड़ देंगे क्योंकि मसाला डाल दिया है। अभी दोनों जल्दी जल्दी कर, जल्दी जल्दी। ये कौन सी सेम है, कि कटाया चिप्स के सेम है? ये चिप्स है, और ये आलू है, और ये चिकन है। यहाँ पर हम मैरिनेट कर रहे हैं। चिकन बन के रेडी हो गए, और ये चावल निकाला है, और चिकन को जैसे निकल के खाएंगे। अभी टाइम हो गया करीब करीब 11 बजे, हाँ करीब करीब हो गया तैयार। अब सब कुछ हो गया रेडी, अभी चलते हैं खाना खाने के बाद मिलते हैं आपको। अभी चलते हैं खाना बनाने के बाद मिलते हैं आपको। Two hours later. अभी मैंने खाना खा लिया, अभी दीपांशु आया था इसलिए हम अभी जाएंगे घाई पे थोड़ा घूम के आएंगे। दीपांशु अभी हमारे घर में आया है, गाड़ी को निकाल रहा है बाहर, अभी जाएंगे तो स्टार्ट कर। हेलो भाई लोग, लॉन्ग टाइम नो सी। एटे कौन है तू? बहुत टाइम के बाद फिर से मैं आ गया इस ब्लॉग के अंदर। क्यों, किस लिए, कैसे, ऐसे नहीं हो सकता, क्यों? तो बात कुछ ऐसा है कि मैं जिंदगी की मोहमाया में ऐसे उलझ गया था ना, औरत का चक्कर बाबू भैया, ये यूट्यूब पे आने का टाइम नहीं मिल रहा था, अभी फिर से आ गया फुल पावर। कभी खुशी कभी गम जिंदगी में चलता रहता है, पर तुम लोगों को छोड़ के तो नहीं रह पाएंगे ना हम। तो इस वीडियो में हम जो हमारे गांव का घाई है उसका दूसरी साइड पे आके खड़े हैं अभी, तो इस वाले साइड तो उस दिन नहीं दिखा पाए क्योंकि ये जो सूरज दादा
कुछ जल्दी में थे, कुछ सामान उनका भूल गए थे ना, इसलिए चले गए जल्दी जल्दी। क्या बोला तूने? तो आज हमने जल्दी आ गए हैं, थोड़ा इस साइड का जो ये व्यूज है ना, इसको लेने के लिए। तो वीडियो में बन रही है, और हमारा जो यूट्यूबर भाई है YJK Vlogs, उनके साथ आप इसका आनंद लीजिए। और हम तो कैमरामैन हैं, हमारा काम तो यही तक था। टाटा। तो फिलहाल के लिए दीपांशु का डील हो गया ख़त्म, जो कि उतना ही पैसा दिया था हमने उसको, और पैसा कहाँ मिलता है यार। पैसा उसको दे दिया था तो उतना ही बोला। तो बोलने के लिए तो बोल लेता। हाँ, कुछ तरीका है भीख मांगने का? अबे अभी हाथों का, अरे बाद में बताना भाई, अभी मत बताइए सब। तो फिलहाल के लिए हम घाई में आए थे, जो कि ये वाला घाई का पहला पार्ट हमने डाल दिया। एक पार्ट जो शाम को आए थे, बहुत अंधेरा हो गया था उस वक्त, तो इस साइड हम नहीं आए थे। हमको ये इस साइड आपको नहीं दिखाया है, हम उस साइड का व्यू दिखाया था आपको, जो स्टार्टिंग है और ये लास्ट है। और इधर से ये वाला पहाड़ बहुत नज़दीक है, और हाँ, ये वाला पहाड़ बहुत नज़दीक है। तो अभी क्या, अभी थोड़ा इधर घूमेंगे, आपको थोड़ा नज़ारा शेयर करेंगे आपके साथ। ये वाला घाई बहुत मतलब बड़ा है, देखो उस तरफ की तरफ, मतलब इधर उस तरफ एक बार हमने, इतना बड़ा है कि आपको नहीं दिखेगा। हाँ, इतना बड़ा है कि आप ये समझ लो कि आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि हमको दिखा है कैमरा में, आपको नहीं दिखा। अगर आप लोग आओगे तो दिखाई देगा। तो अभी क्या, अभी इधर थोड़ा घूमेंगे, खाना खा के आगे हैं और चलते इधर थोड़ा घूमते। अभी आपको थोड़ा सिनेमेटिक शॉट दिखाता हूँ, जो कि हमारा कैमरामैन शूट करेगा। गजब बेइज्जती है। अभी सारे सिनेमैटिक शॉट हो गए ख़त्म, जो कि आप लोग आगे देखने वाले हैं। और आप लोग तो जानते होंगे इस चैनल का एक वन एंड ओनली कैमरामैन, यानी कि मैं, मतलब कुछ भी काय को तो बीच में टोकता है यार। नहीं, नहीं, पहले मेरा बात ख़त्म होने दे। हाँ, क्या बोल रहा था मैं, सारा जो कैमरामैन का काम में, प्रोफेशनल कैमरामैन इस चैनल का, बिना पैसे के काम करता हूँ इसके अंडर। वो सब छोड़ो, आप अभी अब ये जो हमारा व्यू, सिनेमैटिक व्यू जो हमने लिया है, उसको एंजॉय करो। और बाकी आप इससे पूछ लेना। तो अभी ये हम थोड़ा सिनेमैटिक शॉट अभी सीख रहे हैं, क्योंकि ये नया नया है ना, अभी सीख रहे हैं। अभी कोई जज मत करना, क्योंकि अभी हम थोड़ा सीख रहे हैं, जो हम अभी बिगनर हैं इसलिए। तो एक दिन आएगा जब हम बहुत अच्छी तरह सिनेमैटिक शॉट लेंगे, वो आएगा एक दिन, जरूर आएगा। ओपी लेवल का, ओपी लगा, पूरा फुल पावर की तरह सिनेमैटिक शॉट लेके आएंगे। तो अभी क्या, अभी आपको ये वाला घाई का पूरा घाई तो दिखा दिया है पहले वीडियो में, ये वाला पूरा पीछे सीन, ये वाला सीन ही था जो इधर के साइड था पीछे की तरफ। अभी तू कैमरा पकड़, मैं थोड़ा मुँह दूंगा, हाथ पैर धो लूंगा। ऊपर की ओर जा रहे हैं, क्योंकि आपको कुछ बताना है कहाँ तक पानी आ रहा था, अभी कहाँ तक है पानी, तो इसलिए हमें ऊपर आना पड़ा। ऊपर तो आना पड़ता ही है, क्योंकि घर पे ही तो जाना है, इसलिए देखो यहाँ पर। हाँ, मेरी जान। अभी जब बारिश हो रहा था ना, तभी ये जो सरप्लस आप देख रहे हैं, इसके ऊपर से पानी जा रहा था। तो
ना 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 ना। तो फिलहाल के लिए हमारा वीडियो हो गया खत्म। अभी हमारा ड्राइवर जी गाड़ी को निकालेंगे। अबे साले तभी गाड़ी को निकल के आ सामने, मैं थोड़ा पैदल जा रहा हूँ क्योंकि आपको इधर का छोटा सा ही सीन दिखाया, तो घाई का पूरा सीन दिखाएंगे आपको सामने चल के। आप लोग से कुछ बात करना था, तो अभी एक बात बोलना चाहूँगा। अभी यकीन नहीं करोगे, इतना बड़ा घाई में एक भी बंदा नहीं है, जो कि हम दोनों ही और हमारा बाइक है। तो आगे जा, हम जाते चल। आप लोग कमेंट किया करो कि हमारा ब्लॉग्स कैसे लग रहे, हमारा गलती क्या हो रहा है। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। तो ये तो मैं पैदल नहीं जा सकता हूँ, 1 किलोमीटर करीब करीब है। तो अबे रुक जाए, पैदल नहीं जा सकता हूँ। अब करीब करीब 1 किलोमीटर होगा तो पैदल नहीं जा सकता हूँ मैं अभी। आप लोग देखो ये क्या सीन आ रहा है, मतलब हमारा गांव का सबसे अट्रैक्शन सीन यही वाला है। तो एक वाला वीडियो में मैंने दिखाया आई बटन पे, वो वाला वीडियो को मैं शेयर कर दूंगा। तो आप लोग देखो सिर्फ कितना व्यू आ रहा है, मतलब आप सोच सकते हो कि पानी कितना होगा और मछली तो बात ही मत करो कितना होगा। तो मुझे अच्छा लगता है ये जो पानी के साइड चारों तरफ पहाड़ है, ये सब मेरे को अच्छा लगता है। तो ये जो पत्थर दिख रहा है, ये जो साइड में पत्थर है ना, एक दिन था जब लॉकडाउन हुआ करता था तो मैं, दीपांशु और 2 या 4 बंदे आते थे, जॉगन भी आता था। हम इधर ये जो पत्थर दिख रहा है, इस पत्थर में आते थे 4 बजे 7 बजे तक बैठते थे, बात करते थे, मतलब बहुत अच्छी हवा आती थी तो इसलिए बैठते थे। तो चलते अभी घर में, 1 घंटा हो गया करीब करीब, चलते ही घर में। आपको मैं बैक कैमरा से एक पूरा घाई का वीडियो शेयर कर दूंगा इधर से उस तरफ तक। चलते फिर मिलते। Later, 2,000 years later, 1 eternity later. तो फिलहाल के लिए आप लोग सोच रहे हो कि मैं किधर आ गया, तो कि सोनू भाई इधर है। अब मैं मेरे नानी के घर आ गया क्योंकि थोड़ा काम था, और मामा जी नानी को लेके किधर जाने वाले हैं क्योंकि नानी का तबीयत खराब है थोड़ा, इसलिए मैं नानी के घर आ गया। तो ये वाला ब्लॉग को यहीं पे एंड करते, मिलते हैं। ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कोई क्यों।